हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा सूफीवाद या सूफी संत, जिसमें आपने चिश्ती सिलसिला और इसके पहले वीडियो में आपने सूफीवाद यानी सूफी सिलसिला किस प्रकार शुरू हुआ उसके बारे में जानकारी ली। दोस्तों, इसी क्रम में हम और जो सूफीवाद के सिलसिले हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, फिरदौसी या नक्शबंदी। तो इन सभी संप्रदायों के जो संस्थापक थे उनके बारे में आपने जाना था। तो इसी क्रम में चिश्ती सिलसिला के बाद अब हम बात करते हैं सोहरावर्दी सिलसिला। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। सोहरावर्दी सिलसिला। बगदाद के शहाबुद्दीन सोहरावर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। ये अपने शिष्यों को भारत में कार्य करने का निर्देश देते थे। भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। जकारिया का केंद्र सिंध एवं मुल्तान था। बहाउद्दीन जकारिया ने कोवाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी। इसी कारण इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। शेख जलालुद्दीन तबरीजी भी एक सोहरावर्दी संत थे और उनका केंद्र बंगाल था। शेख जलालुद्दीन ने बलात धर्मांतरण करने एवं पांडुआ के निकट देवतल्ला में अपना खानकाह बनाने के उद्देश्य से एक मंदिर को ध्वस्त करने में कोई संकोच नहीं किया। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत साधना जीवन में विश्वास ना करके आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। वे प्रशासनिक पदों को भी ग्रहण करते थे तथा राजनीतिक संपर्क द्वारा अपने कार्यों को अधिक उचित ढंग से करना चाहते थे। सोहरावर्दी संत धन संचय पर भी बल देते थे। कहा जाता है कि बहाउद्दीन जकारिया मध्ययुगीन भारत के सबसे धनी संत थे। फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी तथा सत्तारी उप संप्रदाय भी सोहरावर्दी की ही एक शाखा थी। फिरदौसी शाखा के संस्थापक समरकंद के शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। यह सोहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी। इस उप संप्रदाय के प्रमुख संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी थे एवं वहदत उल वजूद के प्रबल समर्थक थे और अपने उदार दृष्टिकोण के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। फिरदौसी सिलसिला पूर्वी क्षेत्रों में विशेषकर बिहार में अधिक विकसित हुआ। इसके बाद जो सिलसिला आता है सत्तारी सिलसिला। लोधी काल में शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने इस सिलसिले की स्थापना की। शाह अब्दुल्ला सत्तारी का निधन मांडू में हुआ। इस शाखा के महत्वपूर्ण संत मोहम्मद गौस थे, जिनका केंद्र ग्वालियर था। ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं। हुमायूं भी इनसे अत्यधिक प्रभावित था। मोहम्मद गौस ने इमरतकुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने जवाहरे खमसा की रचना की। इन्होंने बहरुल आहाद का सिद्धांत दिया, अर्थात इस्लाम और हिंदू धर्म के रहस्यवादी विचारों का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। इसके बाद जो सिलसिला आता है कादरी सिलसिला। इसकी स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत नियामतुल्लाह कादरी और नसरुद्दीन महमूद जिलानी ने की। इस शाखा से अब्दुल कादिर और शेख मूसा जुड़े हुए थे, जो आगे चलकर जो आगरा चले गए थे। यहाँ अकबर ने मूसा को एक मनसब प्रदान किया था, लेकिन अब्दुल कादिर ने राजकीय सेवा में कोई पद स्वीकार नहीं किया। वे फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम में नमाज पढ़ते थे। अकबर ने इस पर एतराज़ प्रकट किया और उनसे घर पर ही नमाज पढ़ने को कहा। अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, मेरे बादशाह
यह है आपका साम्राज्य नहीं कि आप आदेश दें। अकबर ने इस पर उन्हें प्रदान की गई भूमि की स्वीकृति रद्द कर दी और कादर को उच्च वापस लौटना पड़ा। कादरी परंपरा में रूढ़िवादी और उदार प्रवृत्तियों दोनों ही देखी जा सकती हैं। इन दोनों के बीच संतुलन लाने का सफल प्रयास शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किया, जो इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। शाहजहाँ का पुत्र दारा सकोई कादरी सिलसिले से ही जुड़ा था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मोहम्मद मियाँ मीर थे, जिनसे दारा सकोई ने लाहौर में मुलाकात की थी। एक अन्य संत मुल्ला साय बदख्शी थे। जब मियाँ मीर की मृत्यु हो गई तो बदख्शी के संसर्ग में दारा सकोई की धार्मिक सहिष्णुता की भावना और उन्नत हुई। दारा सकोई बदख्शी नामक सूफी संत का शिष्य बन गया था। इसके बाद सूफियों से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे आप जानते हैं कि वसल ईश्वर प्राप्ति को कहते हैं, वजहत उल वजूद सर्वेश्वरवाद यानी परमात्मा का एकत्व सिद्धांत, समा संगीत एवं नृत्य, चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना, हस्मेदम को बोलते थे प्राणायाम, फना ईश्वर प्रेम में विहल्प होना व तबुल परमात्मा में विश्वास कर रखना। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जिससे आप समझेंगे सूफी संत में जो कुछ कहा जाता है। इसके बाद अगला सिलसिला आता है नक्शबंदी सिलसिला। इसके भारत में संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाए थे, जिनका समयकाल 1563 से 1603 ईस्वी तक रहता है। इस समुदाय के प्रेरणाता जो बहुद्दीन नक्शबंदी के साथ में उत्तराधिकारी नक्शबंदी समुदाय के अनुयायी सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और पैगंबर द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही पालन करते थे। यह संप्रदाय धर्म में नवीन परिवर्तनों का पूर्ण रूप से विरोध था। इस शाखा से जुड़े महत्वपूर्ण संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जो कट्टरपंथी इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और इसके बदले उन्होंने वहदत उल सहदूद का सिद्धांत दिया। इन्हें जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया। ए मुजाहिद आलिफ सानी या इस्लाम के नवजीवनदाता और सुधारक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कब्र सरहिंद में है। नक्शबंदी समुदाय के दूसरे महान संत साहेब अली बिल्लाए, जिनका समयकाल 1707 से 1762 ईस्वी तक है। इनकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इन्होंने वहदतुल वजूद और बहादुतुल सुहूद के सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे से समन्वित कर दिया था। बाबर के एक नक्शबंदी संत उबैदुल्ला अहरार का सिस्ता औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले से ही संबंध था। ख्वाजा मीर दर्द सूफी संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत थे। वे उर्दू और फारसी के अच्छे कवि थे और उन्होंने सूफी धर्म पर कई ग्रंथ लिखे। इसके बाद जो आता है कलंदरी सिलसिला। कलंदरी संप्रदाय के भारत में संस्थापक नजमुद्दीन ग्यास सुंदर थे। इस सिलसिले के संत घुमक्कड़ फकीर थे। वे इस्लामिक कानूनों का पालन नहीं करते थे। उनका कोई आध्यात्मिक गुरु अथवा संगठन नहीं था। ये नाथपंथियों से संपर्क रखते थे। इन्होंने नाथपंथियों की कई प्रथाओं एवं मान्यताओं को अपना लिया था। रोशनिया इसके संस्थापक मियाँ बायजिद अंसारी थे। ऋषि सिलसिला यह कश्मीर में विकसित हुआ था। इसे शेख नूरुद्दीन ऋषि द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण भारतीय सूफी संत के जो सिलसिले थे उनको आपने जाना और उनके जो संस्थापक थे और प्रमुख संत थे सूफी संत उनके बारे में आपने जाना इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, साथ ही इस पर लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे।
और उसकी जो विशेषता हैं उसके बारे में, और प्रमुख भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।